नमोवा मित्रों, पिछले वीडियो पर श्रीमान सौरभ मौर्य ने एक टिप्पणी छोड़ी। इस्तीफा, तकिया, नहर आदि ये सब अरबी शब्द हैं, इनके लिए हिंदी और संस्कृत शब्द बताएं। तो आज हम तकिया के लिए हिंदी और संस्कृत शब्द बताएंगे आपको। और आप जानते ही होंगे तकिया मूलतः फारसी का शब्द है, तकिया। यद्यपि हिंदी में सामान्य बोलचाल में इसका प्रयोग बहुत है, पर यह मूलतः फारसी का शब्द है। मसनद भी फारसी का ही शब्द है। और हिंदी में और संस्कृत में अनेक शब्द हैं इसके लिए, तो आइए उनको सीखते हैं। सर्वप्रथम हिंदी के कुछ शब्द देखेंगे, फिर संस्कृत के। तो हिंदी में एक शब्द है उपधान, यह मूलतः संस्कृत का ही शब्द है और मानसकार ने इसका प्रयोग भी किया है। विविध बसन उपधान तुराई, यह चौपाई आती है मानस में। विविध बसन उपधान तुराई, तो उपधान शब्द का अर्थ है जो वही कोमल वस्तु जो सिर के नीचे सोते समय रखी जाती है, और यह अत्यंत प्राचीन शब्द है। महाभारत में भी इसका प्रयोग हुआ है। आपको एक प्रसंग स्मरण होगा, भीष्म को जब अर्जुन अपने बाणों से बींध देते हैं और भीष्म बाणों की शैया पर ही लेट जाते हैं, तो भीष्म कहते हैं सभी कौरवों और पांडवों से, मेरा सिर लटक रहा है, मेरे लिए उपधान लाइए। तो यह महाभारत है, तृतीय खंड, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित। इसमें भीष्म पर्व है और जो श्लोक आता है वह है, शिरो मे लंबते इत्यर्थम उपधानम प्रदीयताम। तो यह वह श्लोक है, आप देखें। शिरो मे लंबते इत्यर्थम उपधानम प्रदीयताम, और इस प्रसंग में उपधान शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है। अच्छा, ये था उपधान शब्द। एक और शब्द है सिरहाना। शिरस, संस्कृत शिरस से सिर, और आधान से हाना, सिरहाना। ऐसे सिरहाने का शब्द है सिर की ओर। एक प्रसिद्ध दोहा है, काबुल गए मुगल बन आए, बोले मुगली बानी, आब आब कर मर गए, रखा सिरहाने पानी। एक श्रीमान थे, वे काबुल गए और मुगल बनकर लौट आए, और अब वो मुगलों की ही बानी बोलते हैं, मुगलों की ही भाषा बोलते हैं, और जब मरने का समय आया तो आब आब करते रह गए, किसी ने पानी दिया नहीं और सिरहाने ही पानी रखा था। तो सिरहाने का एक अर्थ है जो प्रसिद्ध अर्थ है, सिर की ओर, सोते समय जो सिर की ओर, और सिरहाना का एक दूसरा अर्थ भी है उपधान। तो ये एक दूसरा शब्द हुआ। एक तीसरा शब्द हिंदी में है गडुआ, जो संस्कृत में एक गंडु शब्द है जिसका अर्थ है उपधान, तो उसी का हिंदी में रूप है गडुआ। और एक चौथा शब्द हिंदी का ढासना, तो ढासना लगाकर बैठा भी जाता है, ढासना लगाकर सोया भी जाता है। ढासना किसी खंभे का भी हो सकता है, ढासना किसी गट्ठर का भी हो सकता है, और ढासना का एक अर्थ यह भी है उपधान। तो ये चार शब्द उपधान, सिरहाना, गडुआ और ढासना, ये हिंदी के। अब संस्कृत पर आइए। संस्कृत में तो अनेक शब्द हैं, उपधान है और गंडू है जो मैंने आपको बताए ही। इसके अतिरिक्त एक शब्द है उपबरह, और इसी का एक दूसरा रूप है उपबरहण। उपबरहण शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य में भी मिलता है। इसके अतिरिक्त एक शब्द है उच्छीर्षक, जो सिर को ऊपर उठाए, वह है उच्छीर्षक। एक और शब्द है बालिश। बालिशम शब्द संस्कृत में भी है और फारसी में भी बालिश शब्द है, दोनों में ये समान रूप से शब्द है, इसलिए हिंदी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक और शब्द है कशिपु, तो कशिपु का अर्थ कपड़े भी होता है, कशिपु का अर्थ उपधान भी होता है। हिरण्यकशिपु, जिसके सोने के वस्त्र थे और जिसका सोने का उपधान था, वह है हिरण्यकशिपु। इसके अतिरिक्त एक और शब्द है खुरालिक, यह भी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है उपधान। तो मैं तो अपने घर में उपधान ही बोलता हूं, और मेरे बालक अब थोड़े बड़े हो गए हैं, परंतु जब थोड़े छोटे थे तो उनके साथ हम एक खेल खेला करते थे, उस खेल का नाम मैंने रखा था उपधान युद्ध, और उसी में वो भी उपधान शब्द वे दोनों सीख गए। नमोवा।